अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये तमीज है बड़ों से बात करने की? हिम्मत कैसे हुई बड़ों के साथ बदसलूकी करने की? आ गया सही समय हथौड़ा मारने का। ये हथौड़ा अवंतिका को बहुत भारी पड़ेगा। जिस लड़की की वजह से आपने मुझे थप्पड़ मारा है ना मां, आइए उसकी सच्चाई दिखाता हूं। लिखा है मदद करो, दीदी को मदद चाहिए। मैं अंकल को बुला के लेके आती हूँ, चलो। टीवी लेकर आओ। ऐसी कौन सी सच्चाई है हमारी बेटी के बारे में जो तुम जानते हो और हम नहीं जानते? हाँ, हम भी जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो हम अपनी अवंतिका के बारे में नहीं जानते। बताना क्या है, दिखाता हूं। ये आपकी बेटी का ही नंबर है ना? ये तो हमारी अवंतिका का ही नंबर है। 25 लाख कब तक लेने आओगी? हम इंतजार कर रहे हैं। सॉरी अगस्त, हम किसी के साथ हैं, हमारा इंतजार मत करना। क्यों माँ, अवंतिका का ही नंबर है ना? आपको अवंतिका की असलियत दिखाता हूं। अभी कहां हूं, मिल सकती हो? हम होटल पैराडाइज में हैं, रात की बुकिंग है, समझ रहे हो ना? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे ऊपर से भगवान भी आकर कह देना तब भी हम नहीं मानेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि स्वाभिमान का दूसरा नाम है अवंतिका, उसूलों का दूसरा नाम है अवंतिका, मर्यादा का दूसरा नाम है अवंतिका। अरे उससे बात करके तो लोगों के अपने पाप भूल जाते हैं और वो पाप करेगी बकवास। और कुमुद तुम बता, क्या ये हमारी अवंतिका हो सकती है? अरे हमारी अवंतिका तो अपने स्वाभिमान के लिए अपनी खुशियों से लड़ सकती है, अपनी मां से लड़ सकती है, भगवान से लड़ सकती है, और ये तुच्छे 25 लाख के लिए वो अपने असूलों के साथ समझौता करेगी बकवास। चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता है और सच झूठ नहीं हो जाता है। विश्वास नहीं हो रहा है ना? और सबूत देता हूं, देखिए। पर तुम तो मुझसे मिलने वाली थी, क्यों नहीं आई? यहां डबल पैसे मिल गए इसलिए। सॉरी, ये अवंतिका नहीं हो सकती, कुछ गलत है,
कोई चाल है इसमें। बेटी ऐसा गंदा सोचती है, ना ही गंदा बोलती है, और ना ही ये गंदी भाषा है उसकी। और अगर तुम कहोगे ना कि ये सब कुछ उसके नंबर से आ रहा है, तो हम कहेंगे कि टेलीफोन वालों से गलती हो सकती है, तार बिछाने वालों से गलती हो सकती है, लेकिन हमारी अमांतिका से नहीं। अब समझ में आया हमें, अब समझ में आया कि ये सब तुम्हारी साजिश थी। तुम हमारी बेटी से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते थे ना, उस दिन हमारे घर पर भी ऐसे सारा तमाशा किया था, और जब जब तुम्हारे तरीके से बात नहीं बनी ना, तो तुमने सारी बाजी पलट दी। मुझे यकीन है कि तुमने हमारी बेटी को उठवा लिया है, और ये सारी गंदगी तुम बेच रहे, कोई और बेच रहा है। बस किरण, सुनो मेरी बात। जैसे हम अवंतिका को जानते हैं, वैसे हम अगस्त को भी जानते हैं किरण। लोग उसे अभिमानी कहते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि लोग उसे जानते नहीं हैं। इसके दिल में जो है वही उसकी जुबान पे है। उसे गोल गोल बातें करना नहीं आता किरण, उसे षड्यंत्र रचना नहीं आता। आपको क्या लगता है कि हमारी अवंतिका ऐसी है? आपकी अवंतिका कैसी है, इसको जानने का एक और तरीका है मेरे पास। और सबूत चाहिए ना आपको? एक काम करते हैं, होटल पैराडाइज में कॉल करते हैं और पूछते हैं कि अवंतिका सिन्हा यहाँ है या नहीं। कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो डर गई आप? यकीन है आपको कि अवंतिका वहीं मिलेगी? हुँ? नहीं, हमें तुम पर यकीन नहीं है। फोन लगाना है ना, तो लगाओ, लेकिन तुम नहीं, कोई और। सुधीर सर, हम पर तो भरोसा है ना, मैं फोन लगाता हूं। मिल गया पैराडाइज का नंबर। हेलो, पैराडाइज होटल। जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वहां कोई अवंतिका सिन्हा रुकी हुई है? जी, मैं देख के बताता हूँ। रूम नंबर 307 में कोई संदेश देने गया था, वो किसी वीके के साथ रुकी, कल सुबह तक। नहीं बेटा, हमें कहीं पहुंचना है, और वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर हम वहां नहीं पहुंचे बहुत लेट हो जाएंगे, बहुत लेट। हाथ मिला है करती जा, पांव मिला है बढ़ती जा, हाथ दिया है करती जा, पांव दिया है बढ़ती जा, हाथ दिया है करती जा, पांव दिया है बढ़ती जा। हम खुद फोन लगा कर देखते। ये नंबर इस वक्त व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। ये
हमारी साइकिल कैसे टूट गई? पहले हम लॉक हो गए और हमारी हमारी साइकिल किसने तोड़ दी? ये कौन कर रहा है हमारे साथ और क्यों? दीदी आप अब कैसे जाएंगे? नहीं संध्या, जाना तो हमें पड़ेगा ही। हाथ दिया है करती जा, पाँव दिया है बढ़ती जा। हाथ दिया है करती जा, पाँव दिया है बढ़ती जा। मक्कन भैया, भैया वो निकल गई है। रोको उसको, अवंतिका मंगनी में पहुंचनी नहीं चाहिए। ए, चल 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 चल, गाड़ी उठा कर निकल। अब और क्या साबित करोगे किरण जी? आपकी लड़की का फोन तो बंद आ रहा है, और आपकी लड़की जिस काम के लिए गई है ना, उस काम में अक्सर कुछ समय बाद फोन बंद ही हो जाता है। चुप! इतने पाप ना करो ताकि गंगा मैया भी ना धो सके। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो। बात को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश कर रहे हो कि जो झूठ है वो सच लगे, लेकिन सच्चाई हम जानते हैं। अब हमें ये बताओ कि हमारी बेटी कहाँ है? कहाँ रखा तुमने उसे? बताओ कहाँ है हमारी बेटी? बताओ हमें कहाँ है हमारी बेटी? बोलो, छोड़ो हमारी बेटी को। जगह और समय देख के बात किया करो, और हमें तो कोई हैरानगी नहीं हुई उस लड़की की सच्चाई जानने के बाद। जैसी माँ वैसी ही तो बेटी भी होगी। तुम भी तो पैसों के पीछे अंधी होकर भागती रहती थी, अब वो तुम्हारी बेटी वो भी वही कर रही है। पैसों के लिए अंधी होकर लोभ लाज शर्म सब भूल बैठी है। चुपचाप जा बुढ़िया, तुम्हें अब चल। किरण, बोला था ना हमारी बेटी के बारे में कुछ मत बोलना। अरे बुढ़ापे में लोग दान पुण्य करते हैं ताकि स्वर्ग में जा सके, लेकिन तू तू नरक में मरेगी, देखना कोड़े पड़ेंगे, कोड़े कोड़े पड़ेंगे। आगे मत बढ़ना। क्या कर लेंगे आप? जाने दो हमें। अरे हम छोड़ देते हैं, चलिए। छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ो। हम कह रहे हैं आगे मत बढ़ना, वरना। नहीं तो क्या करोगी? हम पुलिस को बुला देंगे। तुम बुलाइए। किरण, किरण हमारा ये बस। एक शब्द और नहीं। तूने जो करना था ना वो कर लिया कुमुद। अब हमारी समझ में आया कि तेरा बेटा ही नहीं बल्कि तू भी इसमें शामिल है। सालों पहले हम तेरे से ओहदे में ऊपर थे ना, तुझसे अमीर थे, और उसी बात का तू हमसे बदला ले रही है। अरे लेकिन बदला लेना था तो सीधे सीधे हमसे लेती ना। हमारी बेटी को बीच में शामिल करने की क्या जरूरत थी? ऐसा नहीं। याद रख कुमुद, रिश्ता लेकर तू आई थी हमारे पास, हम नहीं आए थे। हाथ तूने जोड़े थे, झोली तूने फैलाई थी, हम नहीं आए थे। लेकिन ये सब तेरी एक चाल थी। तू इन सब के सामने हमारा तमाशा बनाना चाहती थी, हम
हमारा अपमान करना चाहती थी। सच्चाई की बात कर रही है ना तू? अवंतिका की सच्चाई की बात कर रही है ना? तो अपनी सच्चाई बता, तेरी सच्चाई क्या है बोल। ये सारी तेरी चाल थी ना तेरे बेटे के साथ मिलकर? जब बोल क्या रही हैं आप? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात कर? मेरी माँ, खबरदार अगर एक शब्द और भी बोले तो विदेश में पढ़कर आए हो ना, तो क्या वहां पर यह नहीं सिखाया गया कि जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटे बीच में नहीं बोलते? जिस इंसान को अपना कर्म करना आता है ना, फिर चाहे कोई भी हालात हो जाए उसे उनमें लड़ना आता है और अपने रास्ते में आने वाली हर एक मुसीबत को रास्ते से हटाना भी आता है। और कुमुद, रिश्ता ये क्या तोड़ेगा? रिश्ता हम तोड़ते हम, किरण सिन्हा। आज सबके सामने कसम खाते हैं कि जिस दिन जिस मुहूर्त पर अगस्त्य के साथ अवंतिका की शादी होने वाली थी, उसी दिन उसी मुहूर्त पर हम अपनी अवंतिका की शादी एक ऐसे घराने में करेंगे जो औदे में रुतबे में तुझसे 10 गुना ऊपर होगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाए ना कुमुद, तो आ जाना मेरी मौत का मातम मनाने मेरे घर पर। कुमुद जी, हाथ जोड़ता हूं, आप अपने घर जाइए प्लीज। कुमुद जी, क्रॉप की वजह से मेरी मां को कुछ हुआ ना तो भगवान कसम तुझे खानदान को आग लगा दूंगा। कुमुद जी, माँ, अरे दरवाजा क्यों बंद रखा है आपने? कुमुद जी, दरवाजा खोलिए। माँ, तृष्णा, अक्षय, चलो इस घर से, चलो। हम तोड़ते हम, किरण सिन्हा। माँ, दरवाजा खोलिए। माँ, दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे बात करनी है। अब हमारी समझ में आया कि तेरा बेटा ही नहीं बल्कि तू भी इसमें शामिल है। माँ, दरवाजा खोलिए। भाभी, दरवाजा खोलो। माँ, दरवाजा खोलिए ना, प्लीज दरवाजा खोलिए। कुमुद, Thank you.
क्या हुआ पापा को? अरे तेरे पापा को मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। पता नहीं बचेंगे भी या नहीं। अब इस घर से ना तो तेरा कोई नाता है ना कोई रिश्ता है। रिश्ता दोस्तों से जोड़ा जाता है और अब ये परिवार हमारा दुश्मन है। दुश्मन काफी टाइम बाद बात हो रही है। शाम को मिल रहा है ना?